बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जून 2022 और आज की इस वीडियो में 15 और 16 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला को या फिर इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सभी प्रारूपों कहने का अर्थ यहां पर यह है कि टेस्ट, वनडे और टी20, तो तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा अभी हाल ही में मिताली राज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। कुछ जानकारी जो मैंने आपको दिया था बहुत इंपॉर्टेंट था इस प्रश्न से रिलेटेड, पुनः यहाँ पर रिपीट कर दूं कि मिताली राज भारत के राजस्थान की रहने वाली है और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व कप में महिला क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें तो 6 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 6 बार प्रतिनिधित्व किया था मिताली राज ने, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। एक जानकारी यहाँ पर यह है कि इस वर्ष जो खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई, हालांकि खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इससे पहले यानी कि अगस्त 2021 से पहले इसको इस खेल को यानी खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2021 में इसका नाम में कह सकते हैं परिवर्तन किया गया, जिसके बाद इसे अब जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस वर्ष जो खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई, कुल मिलाकर इस वर्ष या फिर कह सकते हैं जो लेटेस्ट खेल रत्न पुरस्कार वितरित हुआ, कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया और इनमें से केवल और केवल एक महिला थी जो थी मिताली राज। ये ध्यान रखिए, मिताली राज को यहां पर कह सकते हैं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि वैसी कौन महिला क्रिकेटर है भारत के इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर जिन्हें की खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मिताली राज इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और जितने भी हमारे नोट्स वगैरह होते हैं सभी को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे भी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस करके अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं और आप जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। तो अभी बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑफर भी चल रहा है तो ऑफर का लाभ उठा के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, तकरीबन 2 वर्ष का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि ये किफायती कीमत पर आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है। जो आंकड़े वाले प्रश्न है उसे आप हमेशा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिहार देश में मछली उत्पादन के मामले में 4थे स्थान पर है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो रैंकिंग है बिहार का, ये 4था है। आपको बता दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार 4थे स्थान पर है। बिहार में अभी यानी कि वर्तमान समय में 7.62 लाख टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है। सालाना यहां पर लिखा गया है 1 लाख टन का उत्पादन बिहार में मछली का होता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो 115.02 लाख टन दूध उत्पादन बिहार में हो रहा है और साथ ही साथ दूध उत्पादन में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट पर ये सारी बातें भी कही गई। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि कृषि रोड मैप के कारण बिहार में मछली, दूध और अंडा के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है कृषि रोड मैप, ये आखिर होता क्या है। तो आपको बता दूं कि पहला कृषि रोड मैप जो आया था वर्ष 2008 को प्रभावी हुआ था, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है ये 3रा रोड मैप चल रहा है। कृषि रोड मैप आखिर ये होता क्या है, इसकी जानकारी अगर आप शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो एक ऐसा पहल है सरकार की जिसके माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, साथ ही साथ उत्पादन और उत्पादकता को तेजी से बढ़ाना ही ये लक्ष्य होता है। इसी को लेकर कृषि रोड मैप की कह सकते हैं प्रक्रिया को अपनाया गया था, जो कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय ये 3रा कृषि रोड मैप चल रहा है। इस प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान की, तो ऐसे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन दानापुर से देवलाली के बीच चलाई गई थी। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ साथ बिहार में कृषि की बात करें तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे प्रश्न पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि जनवरी से मई 2022 तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। तकरीबन 3 घंटे का ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं
तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो पूर्ण रूप से तथ्यात्मक है, सारे सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है जो कि बहुत बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल का लिंक होगा, तो वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अब निर्माण क्षेत्र के लिए कितने रुपए का लोन दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 लाख रुपए का लोन निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी ये दे दूं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार में निर्माण क्षेत्र में पहले 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, जिसे कि बढ़ाकर अब 50 लाख कर दिया गया है। तो ये जानकारी ध्यान रखिए, इसमें कर सकते हैं वृद्धि करके दोगुना कर दिया गया है, 50 लाख कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न, नोट कीजिएगा। अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। इसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रज्ञानंद रमेश बाबू इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश बाबू नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर के मुकाबले में विजेता रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भारत में ग्रैंड मास्टर की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे गए, बहुत एक हॉट टॉपिक है। यहाँ से आपको सम्मिलित चीजों को याद रखना है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे हमने यहाँ पर शामिल किया है, आप सभी को ध्यानपूर्वक समझिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि पहले ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद। देखिए यहाँ पे गलती से पहले ग्रैंड मास्टर को दो बार लिख दिया गया, एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए विश्वनाथन आनंद। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, सुधार कर लीजिएगा। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और हमने आगे लिखा कि 70वें ग्रैंड मास्टर थे तेलंगाना के राजा ऋत्विक। 71वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र के थे संकल्प गुप्ता। 72वें की बात करें तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के थे मित्राब गुहा। वहीं पे 73वें की बात किया जाए तो ये भरत सुब्रमण्यम थे जो कि चेन्नई के थे। और यहाँ पर 74वें की भी घोषणा हो चुकी कुछ दिन पहले, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, बताइए कमेंट करके कि भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक हिंट दे दूं कि ये तेलंगाना के हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर अगला होगा पांचवां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश में हर सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। इसे भी आप एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो सभी को आपको याद रखना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कनाडा में हर सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, और ऐसा कदम उठाने वाला कनाडा विश्व का पहला देश होगा। दरअसल दो दशक पहले कनाडा में तंबाकू के पैकेट पर ग्राफिक चित्र वाली चेतावनी छापने की नीति अपनाई गई थी, जिसे कि बाद में दुनिया भर में अपनाया गया था। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापना अब अनिवार्य किया जाएगा, ऐसी घोषणा किया गया है कनाडा सरकार के द्वारा। एक्चुअली में कनाडा के द्वारा ही ये पहली बार किया गया था कि तंबाकू के पैकेट पर ग्राफिक चित्रों का प्रयोग हो, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी मिल सके। लेकिन अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है, इस घोषणा के आधार पर सिगरेट के ऊपर, यानी कि प्रत्येक सिगरेट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हालांकि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि लड़कियां किस प्रकार से सिगरेट पी रही है, धुआं उड़ा रही है। ऐसा ही चित्र हमने एक बार कोलकाता में देखा था। पिछले वर्ष जब मैं कोलकाता गया था, वहां पर हमें इस तरह के दृश्य देखने को मिला था कि लड़कियां रोड पे चलते हुए भी सिगरेट पी रही थी। हालांकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, जितने भी तंबाकू वाले उत्पाद हैं, सभी के सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे में इसका सेवन अगर नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। आप लोग अगर करते हैं तो इसे छोड़ें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर चलेंगे अगले पांचवें प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किया है। अब ये पॉलीवर्सिटी क्या है हम लोग ये भी जानेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे बात करें पॉलीवर्सिटी की, तो पॉलीवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है, जिसमें कि 100 से अधिक अकादमिक साझेदार शिक्षा को अधिक सुलभ, इमर्सिव और सार्थक बनाने के लिए वर्चुअल कैंपस स्थापित कर रहे हैं, और इसको लेकर के 100 से अधिक एकेडमी के साथ साझेदारी किया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है।
अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा का विस्तार करने के लिए जेस्ट मनी के साथ साझेदारी किया है। तो ये साझेदारी अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस ईएमआई सुविधा का विस्तार करने के लिए डिजिटल ईएमआई प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। ये ध्यान रखिए, जेस्ट मनी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में किया गया था और जेस्ट मनी के सीईओ और संस्थापक जो वर्तमान में ये लीजी चैपमैन है। और अभी वर्तमान में बात करें जेस्ट मनी के मुख्यालय की तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ये साझेदारी अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ है। अगला होगा हमारा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है। तो वाईएसआर यंत्र सेवा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आपको जानकारी यहां पर ये दे दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है या फिर शुरू की है। अब ये वाईएसआर यंत्र सेवा क्या है आप यहाँ पर आगे जान पाएंगे। दरअसल वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में वाईएसआर यंत्र सेवा पाठ्यक्रम के तहत ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के राज्य स्तरीय मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाई और आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य कुल 10,750 वाईएसआर यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना है। इसको लेकर अभी हाल ही में से हरी झंडी दिखाई गई या फिर कह सकते हैं इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पे बात करें आंध्र प्रदेश की तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और अभी मैंने बताया कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी है जिसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाई एस आर यंत्र सेवा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें 2021 में हमने आपको एक करंट अफेयर्स बताया था सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो घोषित किया गया था ये आंध्र प्रदेश को ही घोषित किया गया था। एक बार पुनः सुन लीजिए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य 2021 में आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया था। अगला होगा हमारा आठवां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की है। तो आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना जो भी है आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गुजरात के अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई है। आपको ध्यान रखना इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये जो स्थापित हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अर्थात INSPACE जो कि आपको ध्यान रखना यह अंतरिक्ष विभाग का एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के तौर पर यह कार्य करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी जो समय समय पर मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। हालांकि फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि INSPACE शुरू किया गया या फिर स्थापित किया गया है। अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में कौन इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि AR रहमान। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में AR रहमान को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो कि भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। दरअसल यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आजादी का 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया और ऐसे में 75वीं वर्षगांठ को भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया जो कि इसी को चिन्हित करने का एक यहाँ पर अपनाया गया है। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना है इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक भारत बारबरा विक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य की बात करें यानी कि इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका उद्देश्य कला अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और इसी का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में AR रहमान को बनाया गया है। अगला है दसवां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसे IMF के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा श्रीनिवासन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप इसे यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कृष्णा श्रीनिवासन किनका स्थान लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा श्रीनिवासन चांगयोंग री का स्थान लेंगे। IMF की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ये 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और IMF के MD जो है वर्तमान में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। इस तरह के प्रश्न आपको सारी चीजों को नोट करना है। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। राइट आंसर होगा अडानी विल्मर अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अडानी विल्मर की बात करें यहां पर अडानी की बात आई है तो अडानी समूह की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी
और आपको यहाँ पर यह धन है, इसका जो मुख्यालय ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अडानी है और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं ये राजेश अडानी है। अडानी समूह की बात है तो एक जानकारी हमने कुछ दिन पहले आपको दिया था कि यूएई क्रिकेट लीग का भी हाल ही में कह सकते हैं फ्रेंचाइजी जो मिला है ये अडानी समूह को दिया गया है। इसकी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था, आई होप कि आपको ये याद होगा। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग समाधान लॉन्च किया है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ये पहल है इंडियन बैंक का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंडियन बैंक की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई में और इसके MD और CEO शांति लाल जैन है। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न होगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। ये जानकारी आपको कल दिया गया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। संबंधित सारी चीजों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।